वेलकम टू टॉकीज बुलेटिन बिग बॉस का सैटरडे संडे का वाव विद सलमान भाव आपने तो देखा ही रहेगा। सलमान ने सैटरडे में तो सबकी बराबर से उतारी, खास करके गौहर की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो झूठ बोला था जो है वो क्लियर कर दिया। मेरे को कमाल बात ये लग रही है कि कुशल की जो विश थी वो कैसे पूरी कर दी यार, उससे अच्छा 5 किलो मटन था ना। संडे को तो आ गए अपने अनिल कपूर झकास, उनका 24 नाम का जो सीरीज आ रहा है अभी कलर्स पे उसी का प्रमोशन करने। रजत आखिरकार बाहर निकल गया और वो अपनी बीवी और बच्ची गहना सा मिल सका, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को मज्जा का भाई मालूम है जब मैंने अनिल कपूर को संग्राम को सिखाते हुए देखा, वो भी डांस। एंडी के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर वो मस्त अडेप्ट हो गया है और उसका तो अभी बैंड बज गया है क्योंकि नॉमिनेट भी किया है रजत ने उसको, तो उसको गुस्सा भी आ रहा है कि उसके कपड़े भी रख लिए, उसको नॉमिनेट भी कर दिया और अंदर से अभी वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि उसको मालूम है वो नहीं निकाला जाएगा। सबसे वियर्ड था एंजल और डेविल ऑफ द हाउस, रजत का मेरे को ना चॉइस ही नहीं समझा। रजत ने जाते जाते जो 3 नाम लिए सलमान भाई के कहने पर, जो सलमान ने बोला कि आखिरी लोग कौन कौन रहेंगे, तो उसने बोला अरमान, तनिषा, एंडी और एली, जोकर इन द पैक ऐसे कुछ तो बोला उसने। मैं मेरा चॉइस बोलती हूँ, कामिया, तनिषा, एंडी और संग्राम। अरमान ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं, जाएगा बीच में जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि तनिषा मेरी फेवरेट है और उसको तो जीतना ही है सीजन, मेरे को तो ये लगता है। अनिल कपूर ने भी वो बोला कि नहीं यार उस लड़की में मैजिक है, और सही में उसमें मैजिक है, वो मैजिक अगर काम कर गया ना तो ये बिग बॉस सीजन 7 जीत गई समझो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिखो, आपको तनिषा अच्छी लगती है, उसके 5 अच्छे पॉइंट्स 5 बुरे पॉइंट्स बताओ, बुरे मिलेंगे नहीं, चैलेंज है मेरी।